हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। अभी तुम्हारा भाई खड़ा है चिनानी टनल से थोड़ा सा पहले, तकरीबन 5-7 किलोमीटर की दूरी पे होऊंगा। चाय वाय पी और चाय पी के एनर्जी मिली, तगड़ी वाली एनर्जी मिली, तो एक मैंने डिसीजन लिया कि भाई पहले गेयर डालता हूँ, तीसरे गेयर में दिखाड़ी। हाँ जी, तो डिसीजन मैंने ये लिया कि यार रात रुक के क्या करूँगा। अगर यहाँ से नॉन स्टॉप जाऊँगा तो इसकी कैपेबिलिटी बच लेगी कि हाँ भाई कितनी कैपेसिटी है, कितनी ज़्यादा रिलायबल है। जिससे मैं नाको से आया था सेम मेरे डेज, और प्लस ये कि कल मैं टाइम से पहुँच भी जाऊँगा। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया है, एक चैलेंज लिया है। डिसीजन तो हो ही गया बट एक तरह का चैलेंज भी है कि भाई अपना ये कौन सी जगह है यार, ये जम्मू मान लो। आइए बताता हूँ आपको मैं कौन सी जगह है, ये आ जाओ। इस जगह का नाम है भाई रामबाग। हैं, मन मेरा भी कर रहा है। हाँ चलना फिर। तो भाई मैंने एक तरह का चैलेंज ले लिया है कि भाई रामबन से नॉन स्टॉप चलेंगे दिल्ली के लिए। बस खाली पानी पूनी का या खाने का ब्रेक होगा, अदरवाइज डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है जी। और ये देखेंगे कितने बजे पहुँच रहे हैं। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ अभी कि टाइम कितना हो रहा है। एक मिनट रुको, क्योंकि आगे चिनानी टनल आ जाएगा, चिनानी चलानी जो भी है। तो 5:53 ऑलमोस्ट 6 बज रहे, ठीक है जी। और यहाँ से मेरा नेटवर्क तो भी आ नहीं रहे, यहाँ से करीबन मान लो 701 किलोमीटर घर मेरा होगा यहाँ से, ठीक है जी। तो 6 बजे निकल रहा हूँ 700 किलोमीटर कंप्लीट करने अपनी स्प्लेंडर से। अब देखना ये है कि कल मैं कितने बजे तक घर पहुँच पाता हूँ, ठीक है जी। बने रहना, बहुत मोटे मोटे शॉट्स मतलब जमकर लूँगा और थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। और पिछली वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि वो वीडियो वहीं तक थी जहाँ पे मैंने चाय पी है। क्योंकि यार वही वाली बात है ना कि ज़्यादा लंबा करूँगा तो फ़ायदा नहीं है, वो मैंने वहीं एंड कर दी थी। और ये जो है समझ लो रामबन से अपना दिल्ली तक रहेगा, ठीक है। पार्ट लास्ट पार्ट है थोड़ा सा मज़ेदार इंटरेस्टिंग, और सोलो का सोलो होगा एक तरह से, क्योंकि ये लोग कैंपिंग करेंगे और मैं सोच रहा हूँ कि कैंपिंग ना करके डायरेक्ट घर पहुँचता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो भाई ये आ गया टोल, क्या बात हुई, क्या बात है। ओ भाई रुको रुको रुको, यस क्या बात है जी। तो हम निकलेंगे यहाँ से जम्मू होते हुए, ये है भाई चिनानी, हाँ चिनानी नसीरी टनल। चलो जी, तो भाई यहाँ से हम जा रहे हैं दिल्ली नॉन स्टॉप अपनी हीरो स्प्लेंडर से, ठीक है। बाकी वो लोग निकल गए हैं कैंपिंग के लिए, आज रात तो कैंप करेंगे, बट मैंने कैंप नहीं करना था, थोड़ा सा डिसीजन लिया हमने और हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। तो दोस्तों पेश है चिनानी नसीरी टनल वे लिमिटेड, सीधा निकलेंगे हम जम्मू, क्या बात है जी। तो 3 घंटे में दिखा रहा था, मैंने चेक किया था गूगल पे, 3 घंटे दिखा रहा था तुम्हारा लखनपुर बॉर्डर के लिए, और उसके बाद तो फिर हाईवे निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सोलो वैसे ही करना है मुझे आने वाले टाइम में, तो इसलिए मैंने कहा चलो यार अभी से 8 डालते यहाँ से ही। वह तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है ना, तो इसलिए मैंने क्या निकल लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चैलेंज अच्छा लगा होगा जो मैंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई यहाँ से नॉन स्टॉप, जैसे नाको से दिल्ली आया था मैं एक बार में 675 किलोमीटर चलाई थी गाड़ी, तो इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे 700 कुछ किलोमीटर है यहाँ से अपना रामबन से दिल्ली, ठीक है नहीं। बाकी मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगा कितना किलोमीटर दिखा रहा है टोटल, ठीक है जी, तो बने रहो आप। तो दोस्तों हमने चिनानी टनल जो है वो क्रॉस कर दिया है, बाहर निकल गए, मौसम एकदम ऑसम हो रहा है, मौसम एकदम साफ़ है। और ये लगा लो भाई पैंट के अंदर से जो उसका विंटर लाइनर था वो निकाल दिया, जैकेट में से निकाल दिया, कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया हूँ मैं तो खाली। और अब जो है ना एकदम फील फ्री हो रखा है, जैकेट ढीली ढीली हो रही है, ये इधर की जिप खोल रखी है, इधर की भी जिपर खोल देता हूँ। ये लो जी, ये खुल जा भाई, क्यों नखरे कर रही है, अरे छोटू ऐदा नहीं करी था यार। हाँ जी,
तो भाई ये भी लोग खोल दिया, अब क्या क्या पूरा वेंटिलेशन मामला बना पड़ा है, फुल ऑन हवा हवा आई, आराम से निकल जाऊंगा मैं हौले हौले। तो उधमपुर होते हुए जम्पू 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 जम्पू, तो बेसिकली मुझे पता कहाँ जाना है, मुझे जाना है पठानकोट लखनपुर बॉर्डर। भैया लखनपुर बॉर्डर के लिए सीधा, लखनपुर बॉर्डर, लखनपुर ये लखनपुर बॉर्डर हाँ सीधा। जब तक नेटवर्क नहीं आएंगे ना मेरे फ़ोन में, जब तक मुझे ये दिक्कत होगी, और बाकी जब नेटवर्क आ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी भी जम्मू एंड कश्मीर लगा हुआ है भाई, ठीक है जी। देखो पुलिस जो है ना जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तो एक तरह से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट लग चुका है ये। जान से गुजरते क्या बात है जी, बंदर दिखने लग गए। अब चक्कर क्या है ना, ऊंचाई पे जितने हम थे लद्दाख उधर साइड में बंदर है ही नहीं, देखे ही नहीं हमने। क्यों, या तो ऐसा होता है भाई ठंड इतनी पड़ती है वजह से बंदर वहाँ पे होते नहीं है, या फिर भाई ज़्यादा हाइट होती है वजह से नहीं होते, पता नहीं किस वजह से नहीं होते। लेकिन मैंने लद्दाख में एक भी बंदर नहीं देखा, और जैसे ही अब देखो नीचे उतर आए नॉर्मल पहाड़ आ गए मनाली मनोली जैसे पहाड़, तो यहाँ बंदर बहुत सारे। ये पीछे जायलो वाला चल रहा है भाई साहब, इतनी देर से हॉर्न दे रहा है, तू निकल ही जा भाई, एक काम कर जा, तेरे को मुझसे आ जल्दी देता है, जा जल्दी जा, शाबाश 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 छोटे शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे ही जाइए आराम से, जा जल्दबाजी नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था बंदर मैंने देखे नहीं, लद्दाख में नहीं होते या होते नहीं मुझे तो पता नहीं, मैंने देखे नहीं, किसी ने देखे तो बताना। और भाई लद्दाख में अच्छी नोटिस थी, वहाँ कौवे होते हैं भाई, पूरे काले होंगे लेकिन चोंच उनकी लाल टाइप होती है, अजीब ही कौवे थे यार वो। मैं पूछा था मैंने यहाँ का कौवा है क्या पहाड़ी, कह रहे हाँ ये लद्दाखी कौवा है लद्दाखी। मैंने कहा अच्छा जी, मतलब पहाड़ों में काला होता कौवा काला ही है, लेकिन चोंच उसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब हमारे दिल्ली विल्ली शहर में क्या होता है, काला कौवा काली चोंच, और यहाँ के लाल होते हैं चोंच, मतलब हाँ सही है भाई, नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, नई नई जगह जाओ जाओ। नहीं तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उधमपुर, और यहीं से रास्ता कट रहा है उधमपुर रेलवे स्टेशन का, देख सकते हैं आप, ठीक है जी। आगे से लेफ्ट टर्न हो जाएगा तो हम पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन, बट हमें तो रेलवे स्टेशन जाना नहीं है, हमें तो सीधे चलते चले जाना है। क्या बात है जी, ओए ऐदा नहीं करीदा यार, क्या रोड है भाई साहब, क्या रोड है, और क्या ही नज़ारा है भाई। देखो ये है जम्मू, ओ भाई साहब, दो घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे हम लखनपुर बॉर्डर, और फिर उसके बाद हमारे नेटवर्क आना शुरू हो जाएंगे। ये लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करते नेटवर्क आ जाएंगे फ़ोन में। मैंने एक गलती करी इस राइड पे, वो ये थी कि मेरे को सिम ना पोस्टपेड ले लेनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके आएंगे, ठीक है ना। बाकी सब चंगा से ही आराम से चलना है, सोलो हैं, सत्ता चलें या अस्सी चलें, नो टेंशन कि किसी को पकड़ना है या किसी के लिए रुकना है, आराम से चलते चलो। और गाना मन में गाओ, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया टट 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 टट। तो भाई ये जो रोड है लखनपुर तक जाने का वाला जम्मू से, ये रोड बड़ा हरा भरा है, जो बात है भाई। बीच में देखो कितने अच्छे मतलब ये डिवाइडर जो है, कितने अच्छे पेड़ लगे हुए हरे हरे, इधर देखो ग्रीनरी, इधर ग्रीनरी, ऊपर सूरज चाचू एकदम सनसेट होने वाला है, एकदम जहर ऑरेंज लगा, क्या लग रहा है ना सूरज, जहर एकदम बढ़िया भाई। तो 600 कुछ किलोमीटर है भाई यहाँ से दिल्ली, ठीक है जी। तो 650 मान के चलो अपना घर, कोई चक्कर नहीं कर देंगे। 6 बजे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है जी, और बाकी अब देखते हैं मैं कितने बजे तक घर पहुँच पाता हूँ सोलो। पेट्रोल डलवा लेते भाई, फुल कर दो भैया। ये रहना वहाँ पे, यहाँ से लखनपुर बॉर्डर कितनी दूर हो भैया? हाँ ठीक है, सीधा रोड वही जा रहा है ना, ठीक है हाँ।
तो दोस्तों 700 रुपये का तेल आया अपनी बाइक के अंदर, ठीक है जी। और यहाँ से लखनपुर बॉर्डर बता रहे हैं भैया 150 करीब है। चलो चलते हैं, थैंक यू भैया। ओ भाई साहब गर्मी लग गई, चेयरमैन बंदे ना, ठीक है। एक मिनट, एक गलती कर रहा हूँ क्या मैं, एक मिनट, चेन खोलो, पहले कैमरा, ये वाला कैमरा यहाँ पे है, और गोप्रो यहाँ पे है, ठीक है। सब चीज़ ओके है ना, तभी चलना चाहिए भाई, चेक करके। चलो जी लेट्स गो। अब मैं स्टॉप लूँगा लखनपुर पे, मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ही स्टॉप लूँगा, ठीक है। पेट्रोल डलवा दिया, पेट्रोल डलवा दिया, अब एकदम चलते रहना आराम से, मस्त एकदम। क्या बात है भाई, ये बड़ा अच्छा लग रहा है हवेली, क्या बात है जी, मस्त लग रहा है ना, कोई किले विले टाइप का है ना, बहुत बढ़िया भाई। फूड कोर्ट है, बरिश्ता वरिश्ता सब है इसके अंदर, सही है भाई। बुलेट भी खड़ी हुई है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जहर अच्छा लगता है यार। फैमिली वैमिली साथ आओ कभी, फोटो वोटो क्लिक करो, खाना वाना खाओ, अच्छा लगता है। रास्ता सीधा लेके जाएगा अपने को दिल्ली, क्या बात है जी। पीछे मैंने ट्रक देखा, उस ट्रक के अंदर ना मतलब लगा लो ठूसम ठूस आर्मी वाले बूट होते हैं ना, पूरे भर रखे थे, पूरे जिसे बोलते हैं पूरे के पूरे लटके पड़े बाहर ऐसे। भाई साहब पहली बार देखा जूतों से भरा हुआ ट्रक, अब वो भी रिटायर जूते थे सारे के सारे। अब इन जूतों का क्या होता होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा भाई, है ना, कुछ ना कुछ तो जरूर होता होगा भाई साहब, तभी तो इकट्ठे करके कहीं जा रहे हैं। चलो जो भी होता हुआ पता नहीं भाई, किसी को पता हो तो बताना। बाकी भाई जूते से भरा हुआ ट्रक दिखा ने पहली बार, वो ही पुराने और सारे से आर्मी वाले, क्या बात है। तो दोस्तों दिन ढलने को है बिल्कुल, थोड़ी देर में दिन ढलने वाला, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा आसमान। और लखनपुर बॉर्डर यहाँ से रहिए कुछ 70 किलोमीटर, ठीक है जी। और विजिबिलिटी अभी थोड़ी बहुत आ रही होगी, मुझे पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, बट थोड़ी देर में सोच रहा हूँ मैं जहाँ पे स्टॉप लूँगा ना वहाँ पे मैं जरा अपना हीरो 9 निकाल के लगा दूँगा वापसी, फिर देखी जाएगी भाई जो हमारी किस्मत में होगा वो हो जाएगा। अगर देखो ऐसा है सीन कि अगर वो चल जाता सही तो रात की थोड़ी 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 फुटेज जो है जो मुझे चाहिए वो रिकॉर्ड हो जाएगी, और नहीं तो फिर ये होगा कि फिर देखी जाएगी भाई ऊपर वाला मालिक है। चलो ठीक है भाई जी, हैं ओके भाई साहब, चलो जी ध्यान से जाना भाई साहब, हम भी ध्यान से चल रहे हैं, आप भी ध्यान चलो, मिलते रहेंगे रास्ते में, तो सफ़र है लंबा, ठीक है भाई। ओ भाई साहब मैं रुका था यहाँ पे वाइजर क्लीन करने के लिए, तो ये लोग मिल गए एकदम से, कहते भैया हमने आपको देखा था वहाँ पे रामवन वाले रोड पे देखा था जहाँ ट्रैफिक होता था उससे पहले। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, कह रहा भैया आप भी तेल लेके गए थे वहाँ से ऑफ रोड पे से। मैंने कहा भाई मैं केलस गया था वहाँ पे हल्का इतना चला के, इतना लंबा ट्रैफिक था, तो कह रहा हाँ ये तो है, हम खुद भाई 4 घंटे में निकले थे वहाँ से। मैंने कहा हम तो निकल गए थे बहुत जल्दी, तो कह रहा अभी कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा बस घर ही जा रहे हैं। तो बस ये बात करी, स्प्लेंडर की तारीफ कर रहे थे, कह रहे भाई स्प्लेंडर बहुत देखी हमने तुम्हारी जैसी देखी। तो मैंने कहा भाई देखो लॉन्ग राइड पर जाते भी हम इसीलिए इस पर जब इसे तैयार कर रहा था, तो वही सब है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं लखनपुर बॉर्डर, अब बॉर्डर की चक्का चौंध देख रहे हो आप,
क्या बात है जी। दुकानें देखो, हर दुकान का एक कॉन्सेप्ट है, ट्यूबलाइट मतलब जो उनके जो पिलर्स हैं उसके ऊपर ट्यूबलाइट। क्या बात है जी, मिल तो बहुत कुछ रहा है। क्या क्या मिल रहा है देखूँ जरा, मैं भी कुछ खा पी लूँ। क्या खाऊँ मैं यार, लेकिन सब चीज़ें वही मिल रही हैं, अकोड़े पकोड़े भाई, कहीं खा गए ना पेट पेट खराब हो जाए। मैं ये नहीं खा रहा भाई, लंबा सफ़र है भाई, टाइम से पहुँचना है। ये चाट पकोड़े रहने दे भाई। तुम्हें बॉर्डर तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, निकलना कहाँ से होता है? बाइक वाले यहीं से निकलेंगे क्या? हाँ चल भाई, मैं तो यहीं से निकल जाता हूँ। अल्लाह पाक, नेटवर्क आ जाए सब। फाइनली भाई लखनपुर बॉर्डर मैंने क्रॉस कर दिया है। ओहो, 2 मिनट यहाँ खड़ा होता हूँ यार। यहाँ से कितना दिखा रहा है जलंधर वलंधर। तो दोस्तों दिल्ली रह गया यहाँ से 479 किलोमीटर, और मैं लखनपुर क्रॉस कर दिया है जस्ट अभी अभी। बस मैं रुका था, मैंने एक फ्रूटी पी और एक लेस खाया ग्रीन वाला, एज ऑलवेज माई फेवरेट। और बस अब चल दिए ऊपर वाले नाम लेके दोबारा। और भाई साहब, यही रास्ता है ना, कोई और रास्ता तो नहीं है ना? तो भाई यहाँ पे रुका था मैं कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी मैंने पी ली, एक चिप्स खाया, ठीक है जी। अब निकलते हैं यहाँ से, चलो जी। नींद सी आती, टाइम हो रहा है इस टाइम पे 12:52, मतलब 1 बजने वाला है। तो 1 बजे का टाइम है और हम पहुँच चुके हैं अभी, मतलब अपना घर रह गया यहाँ से कितना, 323 किलोमीटर रह गया है, ठीक है जी मेरा घर। और दिल्ली रह गया है 293, ठीक है जी। तो एकदम सही टाइम से सही कवर कर रहे हैं अपन, मतलब ये दिखा रहा है गूगल मैप कि मैं 7:25 पर पहुँच जाऊँगा। 6 बजे मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, 6 बजे से लेके अभी तक मैंने 2 बार ब्रेक लिए हैं वही चाय पानी के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग 7 बजे बोल रहा है कि मैं पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो दोस्तों हार्डली मेरा घर रही है यहाँ से 100 किलोमीटर, और टाइम हो रहा है इस वक्त 5:21। सही है ना भाई, समय सारणी के हिसाब से बहुत सही चल रहा हूँ। बस मुँह धोने के लिए रुका था, मतलब हल्की नींद सी लग रही थी, मैंने आखो पानी मारा, पानी मार के मैंने कह लाओ यार आपको अपडेट करूँ इस चीज़ का कि हाँ भाई 100 किलोमीटर रह गया अपना घर यहाँ से, ठीक है जी। रात को मैंने वाइजर खोल के चलाया भाई, धूल मट्टी ये लगा लो उसके चक्कर पे, इतना काला फेस लग रहा है ना, इतना काला फेस लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। और मैंने गर्मी चक्कर में ग्लव्स निकाल दिए थे तो भाई हाथ धो गए थे काले काले हो गए, फिर वो हैं इतने काले काले हाथ हो गए भाई, क्या बताऊँ तुमको। तो चलो कोई बात नहीं, घर जाके नहाएंगे आराम से बढ़िया करके। इसमें क्या है भाई ऐसा, हमें निकल जाने भाई, पता नहीं क्या लेके जा रहा भाई ट्रक। तो बस वही है हालत, बहुत ज़्यादा मैली कुचैली सी हो गई। चक्कर ये है, कल सुबह जब मैं उठा था होटल में वहाँ पे सोनमर्ग में कश्मीर में, समझ लो जब से उठा हुआ हूँ, मतलब तकरीबन 4:30 या 4 बजे से, और उसके बाद सोया नहीं, पूरे दिन गाड़ी चलाई है। फिर शाम को ये चैलेंज ले लिया कि हाँ भाई चलो एक बारी में घर पहुँचते हैं। तो शाम को 6 बजे से लेके अभी तक गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब बाइक चला रहा हूँ। तो ये लगा लो आप, 6 से 6 12 घंटे होने वाले हैं भाई, तब बाइक चलाते चलाते मतलब शाम से, और बाकी उससे पहले तो चला रहा हूँ। तो गाड़ी समझ लो सुबह 10 बजे से लेके अभी तक बाइक चला रहा हूँ मैं, बस खाने के लिए, नेचर कॉल के लिए, मुँह धोने के लिए भले रुका हूँ, लेकिन ये है क्या बाकी टाइम बाइक ही चला रहा हूँ। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। और बाकी भाई ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है लद्दाख सीरीज़ की, क्योंकि इसके बाद तो फिर ख़त्म सब मामला, फिर तो अगली सीरीज लेके आऊँगा, बहुत जल्द निकलेंगे बाइक पर। देखो ये वाली बाइक लेके जाऊँगा या फिर अपनी इम्पल्स लेके जाऊँगा, जो भी होगा वो ले बता दूँगा आपको मैं।
तो दोस्तों अपनी फाइनली दिल्ली में एंट्री हो चुकी है और 7:10 का टाइम हो रहा है। ये लगा लो यहाँ से हार्डली हाफ एन आवर या 45 मिनट पकड़ लो आप, क्योंकि रेड लाइट स्टार्ट हो गई ना भाई। अब दिल्ली के अंदर आ गए अपन, तो मतलब आधा घंटा 40 मिनट लगे जाएंगे अपने को 40-45 मिनट घर पहुँचने में। राइड एकदम स्मूथ चली है, एकदम मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, बाइक भी बहुत चल रही है। बट अभी क्या है कि मेरे इंडिकेटर के तार वार हिल गए, पता नहीं क्या हुआ भाई, ऑफ रोडिंग हुई है ना बहुत ज़्यादा, तो पहले इंडिकेटर के तार ना बुझ गए थे, मतलब इंडिकेटर के तार जो है निकल गए होंगे, आपस में टच हो गए, क्या हुआ, मतलब कुल मिला के इंडिकेटर सिर्फ एक चल रहा है, वो भी आएगा, बाकी 3 इंडिकेटर बंद हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग बहुत खतरनाक तरीके से हुई है ना। एक तो वो हुआ, और फिर दूसरा कोई तार आपस में टच हुआ, जिसकी वजह से ना ये देखो मेल फंक्शन लाइट है ना, ये ऑन हो गई है। अब ये क्यों ऑन हुई है, क्या हुआ, ये तो खैर स्कैनर पर जब लगाएंगे अपन, जब वो एरर सामने आएगा कि भाई क्या दिक्कत आई है। ठीक है, फिलहाल तो ये है कि अभी घर पहुंचना है सबसे पहले और रेस्ट करना है भाई, बहुत नींद आ रही है, सही बता रहा हूँ, बर्दाश्त से बाहर हो रही है, क्योंकि कल सुबह का उठा हुआ 4 बजे का और सुबह 9 बजे से राइड कर रहा हूँ और अभी तक राइड कर ही रहा हूँ, सुन रहे हो ना इस तरह से। तो भाई हालत जो है ना बहुत ज़्यादा चकनाचूर हो रही है, बस घर पहुँच जाऊँ कैसे भी करके और आराम से सोऊंगा भाई नहाकर। ओ तेरी भाई, ऑटो का देखो सीन क्या हुआ है, ओ शिट, ऑटो की तो बुरी हालत हो गई भाई, एकदम खचड़ बचड़ हो गया भाई ऑटो, शिट यार। पता मैंने कितने एक्सीडेंट देख लिए वहाँ से, अपना जम्मू कश्मीर से यहाँ तक में मैंने 1, 2, 3 देख लिए भाई। चलो अच्छा, ऑटो वाला भी साफ सुथरा खड़ा हुआ था, हाथ में फैली कर रहा था वो लेकिन भैया चलो क्लेम व्लेम मिल जाएगा, लेकिन भैया बंदा बच गया वो बहुत है। नहीं तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने घर के पास और अब टाइम है भाई वीडियो को एंड करने का, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करना, अब बुरी लगी तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपनी दोनों जान यहाँ खड़ी हैं, ओए होए होए, थक गया भाई मैं, थक गया, ओह ओ भाई साहब सब सड़ गई भाई, सब सड़ गई वो तेरी, इन दो का ये हाल है, बाकी अंदर वाली जो खड़ी है वो अलग है। चलो दोस्तों इसी नोट पर वीडियो को एंड करता हूँ, अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।